नमस्कार दोस्तों, टॉपर स्टूडेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी 68 को लेकर आयोग ने एक नया अचरज भरा नोटिफिकेशन निकाला, जिसकी एक्सपेक्टेशंस आई थिंक मैं कहूं कि 2-3 साल से थी कि ऐसा हो सकता है। बीपीएससी कोशिश कर रहा था कि वो यूपीएससी से कदम आगे निकले, और बच्चे जो थे उनका प्रेशर भी कहीं ना कहीं आयोग के ऊपर था। सभी उधेड़बुन को इकट्ठा करते हुए बीपीएससी ने कल एक नया आदेश निकाला, जिसमें बीपीएससी ने सभी को लगभग चौंका दिया, यह कहकर कि अब ऑप्शनल पेपर आपका केवल पासिंग मार्क्स के लिए होगा और दूसरा वो केवल अब ऑब्जेक्टिव होगा। जो ऑप्शनल कभी आपका रैंक निर्धारित किया करता था, रैंक का निर्धारण होता था पहले, अब उस ऑप्शनल में केवल आपका 40% अंक ही महत्वपूर्ण होगा। इसके स्थान पर बीपीएससी ने निबंध का एक नया पेपर डाल दिया है, 300 नंबर का। अब यहां पर यह प्रश्न उठता है कि सर, जो बच्चा तैयारी कर रहा था, क्या वो ये माने कि ऑप्शनल खत्म हो चुका है? नहीं, आयोग का कहना है कि ऑप्शनल को पास करना जरूरी है। अगर आपको रैंक चाहिए तो उसके लिए ऑप्शनल के मार्क्स नहीं गिने जाएंगे, लेकिन जिस तरह यूपीएससी में आपने देखा होगा कि हिंदी और इंग्लिश के जो नंबर हैं वो जुड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर आप हिंदी और इंग्लिश में फेल हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आप वहीं पर फेल हो गए, फिर आपके मार्क्स की काउंटिंग नहीं होती या आपकी कॉपियां चेक नहीं होती। इसी तरीके का कहीं ना कहीं आयोग जो बीपीएससी है वह भी शुरुआत करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ऑप्शनल तो पास करना ही होगा। सुविधा आपके लिए ये है कि अब वो ऑब्जेक्टिव है, अब वहां पर सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं है। आंसर राइटिंग आप सीख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सारा झमेला आयोग ने खत्म कर दिया। अब हम क्या करें? तो अब जो भी आपका सिलेबस है उसके अंदर आप कोशिश कीजिए एमसीक्यूज सॉल्व करने की। 2-3 तरह के एमसीक्यूज होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि इसकी संस्थापक कौन है, फाउंडर्स कौन है, मैच द फॉलोइंग्स आप चेक कर लीजिए, क्रोनोलॉजी आप चेक कर लीजिए, पहले कौन आया बाद में कौन आया, 3-4 तरह के होते हैं। एक और मार्केट में अफवाह चल रही है कि बीपीएससी जो है, इस ऑप्शनल का जो सिलेबस है वो एनटीए यूजीसी नेट का सिलेबस ऑप्ट कर सकती है। 68 का मेंस के सिलेबस में अगर कोई चेंजेस होगा तो आयोग की वेबसाइट पर विश्वास कीजिएगा और किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। आयोग की वेबसाइट के साथ जुड़े रहिए, इसके अंदर वो नई नई चेंजेस कर सकती है 68 के अंदर, ध्यान रखिएगा। 67 आपके इतिहास की वो आखिरी परीक्षा है जिसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट सब्जेक्टिव रहेगा। उसके बाद अब ऑप्शनल केवल ऑब्जेक्टिव और केवल पासिंग के लिए रह जाएगा, रैंकिंग के लिए अब ऑप्शनल की जरूरत आपको नहीं है। तो वो सभी विद्यार्थी जो बड़े ही जोरों शोरों से जुड़े हुए थे, जूझ रहे थे ऑप्शनल के अंदर, उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर। और जो विद्यार्थी ऑप्शनल में बहुत स्ट्रांग थे और ये सोच रहे थे कि ऑप्शनल मेरा रैंकिंग निकाल कर ले जाएगा, उनके लिए थोड़ी बुरी खबर। मिला जुला रूप है, मिला जुला सभी की प्रतिक्रिया है, बट आयोग ने जो आदेश दिया है उसकी पालना सभी को करनी है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।